आपण कोरेगाव भीमा येथे जाण्यावर ठाम असल्याचे चंद्रशेखर आझाद उर्फ रावण यांनी सांगितले आहे. मी जिथे जिथे गेलो तिथे तिथे भाजप हरला आहे. आता महाराष्ट्रात पण भाजप हरेल असा दावा त्यांनी यावेळी केला आहे. मी अशांतता पसरवत नाही, मात्र सध्याच्या राजवटीत बहुजनांना आंबेडकरवादांचा आवाज चेपला जातोय. मी कार्यकर्ता आहे, नेता नाही. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, आनंदराज आंबेडकर हे नेते आहेत, त्यांना कोरेगाव येथे सभा घेऊन दिली जात आहे. मी कार्यकर्ता आहे, मला मात्र सभा घेऊ दिली जात नाही, अशी तक्रार त्यांनी यावेळी केली आहे. मी यहाँ की टीम के साथ में डिस्कस करूंगा, जो सही रहेगा, जो मूवमेंट के लिए अच्छा होगा वो होगा. उन्हें न्याय दिलाने के लिए ही मैं कल वहाँ जा रहा हूँ की अपनी बात रखूँ की उनको न्याय मिले. और अगर उनको न्याय सरकार नहीं देगी तो इस सरकार को गिरा के बहुजन सरकार लाने का काम हम लोग इसी माध्यम से इसलिए करेंगे क्योंकि हमें न्याय चाहिए. हमें महसूस हो चुका कि सरकार के नेतृत्व में, इस सरकार के रहते हमें न्याय नहीं मिलेगा. बहुत सारे लोगों को भीमा कोरेगांव के इंसिडेंट के बाद मुकदमे लगाए गए. लगभग 35,000 नौजवानों का करियर खराब किया गया है. ये सरकार यही तो चाहती है कि हम लोग इस व्यवस्था से हट जाए. ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, भीम आर्मी की जिम्मेदारी बनती है.